अरे अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? इंट्रोडक्शन तो दे दो। रिवर्स रिवर्स रिवर्स, पीछे पीछे पीछे, अब ठीक है। चलिए चलते हैं रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड चलेंगे, हम सब चलेंगे और आपको भी ले जाएंगे रॉस आइलैंड। कहाँ है ये रॉस आइलैंड? रॉस आइलैंड, जिसका नाम बदलकर 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप रखा गया है, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे इस रॉस आइलैंड की क्या खासियत है। अंडमान में एक कालीन काले पानी की सजा मिलती थी, उसी काले पानी का हिस्सा है रॉस आइलैंड, चाथाम द्वीप, वाइपर आइलैंड, सिल्वर जेल। यहाँ का इतिहास, स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिकारियों की गाथा और लाइट एंड साउंड शो देखते हैं आने वाले वीडियो में। देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, आपको भी दिखाया जाएगा, जो हम देखेंगे वो आप भी देखेंगे। चलो चलेंगे रॉस आइलैंड, हम लोग सभी चलेंगे। राइट हैंड साइड में आपको बोट दिख रहा है, ये बोट लेके जाती है आपको रॉस आइलैंड। टकर 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 टकर। अभी हम जहाँ से जा रहे हैं, इस जट्टी का नाम है अबरदीन जट्टी। यहाँ से रॉस आइलैंड जाने के लिए फेरी मिलेगी सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक। मरीना पार्क के पीछे अंडमान एडवेंचर बुकिंग काउंटर के यहाँ आपको टिकट मिलती है। एक बोट में लगभग 8 से 10 लोग जा सकते हैं। या तो आप शेयरिंग में 370 रुपये पर पर्सन देकर जाइए, या फिर 3,700 रुपये देकर पूरा बोट रिजर्व करके जा सकते हैं। तो 370 रुपये का टिकट है, हमको लगा टोटल 740 रुपीस। नन्हे मुन्नों का कोई टिकट नहीं लगा। यहाँ पे लाइफ जैकेट रखा हुआ है, बोट में चढ़ने से पहले लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। चलिए, हमने बोट पहन लिया है वापस लाइफ जैकेट और चलने को तैयार। यहाँ से जाना है, ये देखिए आगे वो बोट आ गई अपनी। दादा आराम से आ जाओ, काम इजी इजी। ये सामने है, हम बोट में जाएंगे। ये दादा भाई आ रहा है, 15 केजी तक है ना? 15 केजी नहीं होगा, हाँ मतलब कम हो कम है। हाँ हाँ, 15 केजी तक वेट ले सकते हैं। जो आपने पहना हुआ है ना, वो 140 केजी तक का वेट है, ये 15 केजी तक ही उठाएगा। हाथ डाल दो। हाँ, वेरी गुड। लाइफ जैकेट पहनने से ही आप सेफ हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ जैकेट ठीक से पहनना भी जरूरी है, और लाइफ जैकेट का चयन अपने साइज और वेट के हिसाब से करना है। इन्फेंट, चाइल्ड, एडल्ट, ओवरसाइज लाइफ जैकेट आपके चेस्ट साइज के हिसाब से रेटेड होते हैं। ओवरसाइज लाइफ जैकेट मैक्सिमम 140 किलो तक वेट फ्लोट कर सकती है। गलत लाइफ जैकेट पहनना आपातकालीन परिस्थिति में आपके लिए रिस्की हो सकता है। अगर आपको डाउट हो तो जहाँ लाइफ जैकेट दे रहे हैं वहाँ पूछ लीजिए कौन सा लाइफ जैकेट आपके लिए सही रहेगा। हम अबरदीन जट्टी से निकल चुके हैं और बोट से रॉस जजीरे की तरफ जा रहे हैं। वो जो सामने आप देख रहे हैं हरा भरा सा आइलैंड, वही है रॉस आइलैंड। वहाँ रॉस आइलैंड उतरने के बाद हमको 1 घंटे का टाइम मिलता है। अबरदीन जट्टी से रॉस आइलैंड करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बोट में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा यहाँ पहुँचने में। जैसे भारत के दूसरे शहरों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल होता है, वैसे ही अंडमान में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए बोट या फेरी सर्विस उपलब्ध है, जिनकी लाइन लगी रहती है और सीक्वेंस वाइज नंबर लगता है। किसी को सी सिकनेस हो तो टैबलेट पहले से ले लें, वैसे 10-15 मिनट के राइड में इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। चलिए रॉस आइलैंड में कदम रखने से पहले इसकी कुछ हिस्ट्री जान लें तो घूमते वक्त चीज़ें समझने में आसानी होगी, वरना बिना जानकारी के ये अनमोल जगह भी एक खंडर लगेगी। रॉस आइलैंड का इतिहास यहीं से शुरू हुआ है। 2018 में रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया, इन शॉर्ट NSCB द्वीप।
शाम को 5:30 बजे रॉस आइलैंड में लाइट एंड साउंड शो होता है। ओमपुरी जी की आवाज़ में रॉस आइलैंड जजीरे का संपूर्ण इतिहास दर्शाया जाता है। शो की टिकटें आपको ऑनलाइन मिलेंगी। अ मस्ट वॉच शो फॉर ऑल इंडियंस। रॉस आइलैंड को पेरिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। यहाँ आपको जापानीज बंकर, फर्जंद अली स्टोर, स्विमिंग पूल, वाटर डिस्टिलेट प्लांट, सबॉर्डिनेट क्लब, ट्रूप्स बैरक, बेकरी, चर्च, लाइट हाउस, टेनिस कोर्ट और लोन सेलर इत्यादि देखने को मिलेगा। भूकंप, जापानीज बम्बार्डमेंट और सुनामी के चलते यहाँ की सारी इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। बची हुई टूटी फूटी इमारतों को पेड़ों ने जकड़ कर सजोए रखा है। अभी रॉस आइलैंड इंडियन नेवी के रखरखाव में है। यहाँ आपको हिरन, मोर और खरगोश भी देखने को मिलेंगे। चलिए लाइफ जैकेट खोल के चढ़ जाते हैं। आप यहीं छोड़ दो, हाथ निकाल दो और हाथ निकाल दो। वेरी गुड, चलो। हाँ तुम्हें एक दिन जाओ, तुम्हें एक दिन जाओ, चलो। आराम से जाओ। चलिए हम लोग रॉस आइलैंड पहुंच चुके हैं। वैसे तो आप पूरा आइलैंड आराम से पैदल घूम सकते हैं, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के साथ जा रहे हो तो बेटर है टोटो राइड ले लीजिए। थोड़ी चढ़ाई है और एंड में लाइट हाउस की तरफ सीढ़ियां हैं। स्टेप्स के उतराव चढ़ाव में थोड़ा वक्त लग सकता है। लाइट हाउस के यहाँ सीनिक ब्यूटी अच्छा है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे देखिए बंकर है, जापानीज बंकर। यहाँ पे जानवरों को खाना खिलाना मना है। चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, प्लास्टिक बॉटल, कैरी बैग, रैपर सब कुछ ले जाना यहाँ पे मना है। इधर चले जाइए, प्राइवेट गाइड मिलेगा 300 रुपया में। हिरन हिरन हिरन, देखिए हिरन मिल रहा है। खुश है हिरन, देखिए हिरन, बड़ा हिरन है। इधर से कुछ नहीं ना, मार तो नहीं देगा। जा जा अंदर जा, एंट्री इधर से है। लिखा ना मास्टर को नहीं यार, गाड़ी है गाड़ी है, मास्टर ना बता देगा आपको ये गाड़ी है। सर हमारे साथ कपल है, वो 320 देंगे, आप 320 देंगे, मतलब 6 बच्चे का नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप जाएंगे तो गाड़ी खाली है। हाँ चलिए, इस आइलैंड में हिरन कहाँ से आए ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। नॉर्मली कितना चार्ज होता है? 80 रुपी नॉर्मली एक ही होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए रुकना पड़ता है। हम तो है नहीं, इसलिए उसके बाद तो कोई आने वाला है नहीं। 8 जन का कैपेसिटी है, 2 जन जाइए 640 में, नहीं तो 8 जन भी 640 में जा सकते। करेक्ट करेक्ट, या अपना खुद प्राइवेट जाओ 640 में। ये देखिए मोर देख रहे हैं आप यहाँ पे, भाई के साथ हम सामने बैठेंगे, वही सारी चीज जानकारी देंगे। तो चलते हैं, पेमेंट हो चुका है। आज हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सैमसन। सैमसन, चलो सैमसन भाई है हमारे साथ और चलते हैं। कैसे बैठ गए? सब बैठ गए। सैमसन, ये आइलैंड का पहला नेम था रॉस आइलैंड। ये रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार का पहला राजधानी था ब्रिटिश टाइम का जी। और ये रॉस आइलैंड का नाम रखा गया था ब्रिटिश का मरीन सर्वायर डेनियल रॉस का नाम से। और अभी ये आइलैंड का नेम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 2018-30 से उन्हें चेंज हुआ था इसका नेम। और ये रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार का पहला राजधानी था उस समय। गाड़ी का लेफ्ट साइड जो रेड बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आइलैंड का पहला स्टोर था, जनरल स्टोर। और स्टोर का ऑरिजिनल नेम था फरजंद अली। लेफ्ट साइड है तो वह पहला बिल्डिंग जो ब्रिटिश टाइम का प्रिंटिंग प्रेस था। और इसका बैक साइड एक स्विमिंग पूल और दूसरा वाला बिल्डिंग पावर हाउस। और वो जो ब्लैक कलर का टैंक दिख रहा है ना सर, वो वाटर डिस्टिलेशन प्लांट था। सी वाटर को डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट किया जाता था उस समय।
लेफ्ट साइड व्हाइट विली ब्रिटिश टाइम का बेकरी था ये वाला, और राइट साइड ये जो फैंस का यहाँ पर अभी लाइट एंड साउंड शो होते हैं इवनिंग 5:30 से लेकर 6:30 तक, और ब्रिटिश टाइम पे ये पूरा एरिया टेनिस कोर्ट था, जो नारियल पे रहे ना अभी ये टेनिस कोर्ट था उस समय, और लेफ्ट साइड इसके ऊपर रेसिडेंस था कार्डिनल एडिसन का। क्या था यहाँ गाड़ी का राइट साइड लैंड दिख रहा है, यहाँ पर पहले इंडियन मार्केट हुआ करता था, ब्रिटिश टाइम पे यहाँ आइलैंड पर जो इंडियन होता था उसके लिए अलग से मार्केट था, ब्रिटिश का मार्केट उस तरफ अलग था। राइट साइड छोटा सा तो स्टेप दिख रहा है, स्टेप के ऊपर अंडमान निकोबार का पहला पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस मतलब टूट गया वो। हाँ, लेफ्ट साइड ये पूरा एरिया सेक्रेटेरिएट था सचिव वाले, गाड़ी का राइट साइड देख रहा है ये ब्रिटिश टाइम का क्लब था, सबॉर्डिनेट्स क्लब जूनियर ऑफिसर्स का क्लब था ये, इसका ना डांस फ्लोर डांस रूम बार रूम में सब कुछ हुआ करता था उस समय। राइट साइड कर्नल में जो ब्लैक बिल्डिंग देख रहे हैं वो चर्च था, प्रोटेस्टेंट चर्च 1840 में बनाया गया था वो वाला चर्च जी। गाड़ी का लेफ्ट साइड एक खतरनाक केडीओ का बैरक था, ये जेल हुआ करता था उस समय का, कैदियों का जेल, खतरनाक कैदी बोले तो अपने स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिकारी। गाड़ी का राइट साइड ऊपर जो सीढ़ी देख रहा है इसके ऊपर पहले ब्रिटिश कमिश्नर का बंगला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बम ब्लास्ट हुआ था बम ब्लास्ट का दौरान पूरा बिल्डिंग डैमेज हो गया, अभी अन्य स्टेप्स ही बचा हुआ है, जापान ने किया था। और लेफ्ट साइड येलो बिल्डिंग आरसी चर्च का, अभी ये पावर हाउस में कन्वर्ट कर दिया, ये रोज आइलैंड का पावर अभी यहीं से सप्लाई होता है, यहाँ पर 1942 से लेके 45 तक जापान ने कब्जा किया था तीन साल, और उस दौरान ही हमारे नेताजी सुभाष के साथ आए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे 1943 में। आजाद दोनों लिख रहा है जब ब्रिटिश आया जापान आया था उस टाइम जो जेल में कैदी का उस कैदी को तोड़ दिया था और दूसरे कैदी को बहुत टर्चर किया था, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था उस समय। गाड़ी का लेफ्ट साइड सोल्जर्स का मैच था ब्रिटिश सोल्जर्स का, जब हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ था ना उस दौरान जापान ने यहाँ से तोड़ के गया था 1945 में। गाड़ी का राइट साइड रेड बिल्डिंग ट्रूप्स बैरक्स था, यहाँ पर ब्रिटिश का सोल्जर्स रहता था, यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरा ही सोल्जर्स का बैरक था, 165 सोल्जर्स का बैरक था। आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट है जो सी लेवल से 200 फीट हाई थे, यहाँ पर वो टाइम दिया जाएगा 15 से 20 मिनट्स, इसका नीचे एक लाइट हाउस है, अच्छा व्यू पॉइंट आप नीचे देखा आराम से देख के आ सकते हैं 20 मिनट्स में आप लोग का गाड़ी नंबर 2 गाड़ी यहीं पर रहेगा, आप नीचे देखा आराम से फोटो क्लिक करके आ जाइए, उतर कर देख सकते हैं ये फोटोग्राफी के लिए। ओके, तो गाड़ी नंबर 2 हम यहीं पर रहेगा, अगर आप नहीं रहा तो कोई और रहेगा, ठीक है नंबर 2 बोलिएगा। चलो यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाना है लाइट हाउस तक, वहाँ का व्यू पॉइंट देख के और फिर वापस आ जाना है। यहाँ पे है लाइट हाउस देखने जा रहे हैं दादा आस्ते चो।
यहाँ पे एंकर लगा रखा है और लोन सेलर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यहाँ मेड इन गर्ल ट्रांस हुए हैं 30 मार्च 2022 को। ये देखिए यहाँ से जो व्यू दिख रहा है मस्त व्यू है। स्टेप के थ्रू नीचे उतरना है। पहले सर ऑन टेस्ट कीजिए, उसके बाद सर लीजिए सर प्योर रबड़ी मलाई कुल्फी। आइए सर आइए प्योर रबड़ी मलाई कुल्फी। रबड़ी मलाई कुल्फी या नारियल पानी आप ट्राई कर सकते हैं। बेटर है जब आप वापस आए थक हार के तब इसे ट्राई करें, तो एक एनर्जी ड्रिंक का काम करेगी। आस्ते आस्ते जेते हो। ये देखिए भाई जा रहे हैं। दादा कहाँ हैं? पूरी चले में तेज दोने पूरी चले कर ओ पूरी चले कच्चे। दादा आस्ते जबे चलो अनेकटा जेते हबे। और नीचे जाना है। हाँ एदिके भेंगे गेचे। सब भेंगे गेचे। ओ देखिए वहाँ पे लाइट हाउस है। लाइट हाउस लाइट हाउस। उनकी दादा वहाँ पे वेट कर रहा है। भाई बड़ा स्लो है ना। भाई बहुत स्लो है भाई। भाई व्हाई आर यू स्लो? वॉक फास्टर। ऐसा तुम्हें थोड़ा ऐसा ये भाई आ रहा है स्लो। इजी इजी आ रहा है भाई। आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ यस मैडम देयर इज ओनली वन रूट। यहाँ बैठ सकते हैं कोपचे में। यहाँ अच्छा फोटो आएगा आपका। और इधर यस यस आएगा आएगा वहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा। चलो 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 नहीं वही सीधा है उल्टा है साइन वही था। इस जगह फिलहाल रिपेयर चल रहा है तो अंदर जाना मना है। तो लोग क्या करते हैं ऊपर से उछल के भी चले जाते हैं। द लोन सेलर डेडिकेटेड टू द नेशन बाय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड भूपेंद्र सिंह। हमें फख्र है हमारे स्वतंत्र सेनानियों और क्रांतिकारियों पर जिनकी बलिदान की बदौलत आज हम सब आजाद हैं। थ्री चीयर्स फॉर ऑल। हिप हिप हुरे। हिप हिप हुरे। हिप हिप हुरे। सभी स्वतंत्र सेनानियों को कोटि कोटि नमन और तहे दिल से धन्यवाद। देखो इधर देखो क्या है क्या कल देखिए दोस्तों हम लाइट हाउस के सामने खड़े हैं।
यहाँ से देखिए एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर जाकर देखते हैं क्या है। यहाँ से एक रास्ता ऊपर चला जाता है, अंदर से गुजर के चलिए हमने तीन कुल्फी ले लिए। व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, अगर आप हमारे इस छोटे से प्रयास और कोशिश को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें अपना प्यार, सहयोग और अनुभव आगे भी देते रहिए और हमसे जुड़े रहिए हमारे इस चैनल द्वारा। तो फिर मिलते हैं हमारे सफर के अगले पड़ाव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।